गुड आफ्टरनून तो हो गई है दोपहर के 1 बजे। तो हर्ष सोया था तो मैं सोचा चलो थोड़ा थोड़ा काम कर लो। मम्मी ने सब्जी वगैरह काट दी, मैंने आपको दिखाई, तो मैं दही भल्ले बना के फिर सोचती हूँ थोड़ा दोपहर की खाना बना लूँ, उसके बाद फिर शाम को तैयारी करते हैं। चलो काटनी थी तो मम्मी ने सब्जी काट दी, तड़का चीर दिया, तो मैं बनाई दही भल्ले, तो ये बन रहे मेरे दही भल्ले। तो क्या हो रहा है? दही बड़े बन रहे हैं। अच्छा, दही बड़े बन रहे हैं। तो दही बड़े बनने के बाद हम सोचे जल्दी जल्दी थोड़ा काम हो जाए, उसके बाद हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। हाँ। क्योंकि तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता है, 2-3 घंटे तो लगते ही है। हाँ, और पूजा 3 बजे चले जाना हमें। हाँ। पूजा करने की हर सोया उसके पहले तो फटाफट काम कर लेंगे। आधा काम भी हो गया है, हमने दाल भी बना ली, दही बड़े भी बना लिए, सब्जी बना ली, बस वेले। चलो बहुत अच्छा, और मेहंदी भी कलर आ गई ना। इस बार हम लोग कहीं और जा रहे हैं पूजा करने के लिए, आपको दिखाएंगे। ये देखो हमारी थाली दीदी ने तैयार कर ली है, दीदी ने अपनी भी कर ली और मेरी भी कर ली है। मेरी अभी तैयार नहीं हुई है। अच्छा, दीदी का आधा सामान अपने घर है तो दीदी अभी रखेगी, वैसे तो आधा आधा होगी है तैयार। तो ये देखो, तो ये देखो मैं हम लोग के करवा चौथ की थाली तैयार है। ये हम लोटा है ना, छाननी जिसमें हम चांद को देखते हैं, गड़वी मेरा लैंग्वेज बनारसी है। तो दीदी की थाली और मेरी थाली तो तैयार हो गई, और हर्ष यहाँ ताक मार रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए खाने को। तुम्हें नहीं कुछ मिलेगा खाने को, शाम को बोला मुझे मिल जाए कुछ ना कुछ खाने को। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो ये मेरा ड्रेस, तो मेरी चांजरा मतलब पैजेब पायल, और ये मेरा दुपट्टा, और ये मेरा मेकअप का सामान। चलो तैयार होते हैं। आपने देखा मेरा ड्रेस, अब मैं रेडी होंगी। चलो अब दिखाऊंगी आपको मैं कैसी लगती हूँ। तो मैं फटाफट तैयार हो गई हूँ, अभी मैंने बस सूट पहना है, जल्दी जल्दी मैं तैयार हो जाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आप बताना जरूर। तो थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि लेट हो रहा था। चलो मैं आगे की वीडियो आपको आगे दिखा दूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैं दीदी से घर वहाँ से हम जाएंगे पूजा देखने। चलो चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ दीदी के घर, तो हमने फटाफट अपनी थाल सजा ली है दीदी ने, और फिर हम चलते हैं। तो बताओ हम लोग कैसे लग रहे हैं? देखो दीदी भी तैयार होगी, मैं भी तैयार होगी, कमेंट में बताना हम लोग कैसे लग रहे हैं। अब हम रेडी होते हैं, चलो चलते हैं। हाँ मम्मी के, तो उधर दीदी भी रेडी हो गई है, चलो हम साथ साथ में चलते हैं। चलो ठीक है। एक लड़की थी वीरो, उसके 7 भाई थे। 7 भाइयों की वीरो एक ही लाडली बहन थी। करवा चौथ के व्रत का दिन आया, वीरो ने अपनी भाभियों के साथ
ये व्रत रखा। वीरू को भूखी प्यासी देखकर उसके भाइयों ने जंगल में दूर जाकर आग लगा दी और चांद के जैसी ही रोशनी कर दी। आकर अपनी बहन से कहा, देख वीरो, तेरा चांद निकल आया है। वीरो ने पूछा, भाभियों का चांद तो नहीं निकला, तो मेरा चांद कैसे निकल आया? भाइयों ने लाडली और अनजान बहन से कहा कि भाभियों का चांद भी निकल आएगा वीरो। इसी भ्रम में आकर वीरो का व्रत टूट गया। वीरो का राजा जैसा पति गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरो को राजा की सुइयां निकालते निकालते एक साल हो गया कि फिर से करवा चौथ का व्रत आ गया। करवड़े बिकने के लिए आए वीरो ने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा और इस बार वीरो ने अपने मन में प्रण किया कि जब सबका चांद निकलेगा तो वो सबके साथ ही अपना व्रत करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपने दिए रख दिए हैं और अपनी थालियाँ, फिर जब आएगा चंद्रमा तो फिर हम उसको अर्घ देंगे। हर्ष भी आ गया बदमाशी करता करता हुआ। 8:30 बजे अभी तक चांद नहीं निकला, फिर भूख लगी आपको? भूख लगी है। चलो कोई नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा चांद, है ना? तो 9:05 तो हमारा चंद्रमा निकल आया, तो मम्मी बुला रही है। चलो चलो चलो, मम्मी बुला रही है कि चंद्रमा निकल आया। चलो 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 चलो, बिग बॉस देख रहा था। ओहो, अरे क्या करूं, चलो 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 चलो। चांद निकल, तुम लोग बताओ भैया, आप लोगों का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, चांद निकल गया है, खुशी है। खुशी है, ओके। ये देखो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। ये देखो जी, अब तैयारी है। मुझे खुशी है, पता क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी खाने को भी मिलेगा। चलो जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं ये वाला माहौल। ये देखो जी, साहिबा चली, चलो भैया चलो 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 साहिबा चलते हैं, लेट्स गो। चलो जी चलो, आ जाओ चलो 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 साहिबा चलो चलो चलो। ये देखो जी चलते हैं, चलो जी दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। चलो आपको दिखाते हैं, ये देखो जी साहिबा चल रही है, और देखना गिर मत जाना। चल गया, टूट गई, ओके ओके ओके। चलो साहिबा आप चली, ये देखो जी लेट्स गो, दिखाते हैं आपको। ये देखो जी, ये चांद यहाँ से नजर आ रहा, वो देखिए। ये देखो जी दीदी आ गई है, ये देखो आपको दिखाता हूँ, दीदी भी आ गई है। ये देखो आ गई दीदी, अब ये दोनों आ गए, अभी चांद आपको दिखाएंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी अर्घ दिया जाता है, आपको सिखाया जाएगा। शर्मा के कहीं चल जाए ना, नाना चंदा तू नहीं आना वरना।
मन चला जाएगा। लंबी लंबी उम्र हो गए तो फाइनली इनका खत्म हो गया और मेरा भी बाकी फोटो खींच दे मार दे इतना मार दे चुप चुप के फिर हंस दे वो आ गई सारा बच्चे आगे जुजू अभी दीदी अर्घ दे रही है और जीजू देखो वहाँ पे अंशु ने फोन पे जीजू को वीडियो कॉल में लिया हुआ है ये देखिए आपको दिखा ये देखिए नाना चंदा तू नहीं आना तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा गाइज अभी जो टाइम आ गया वो आ गया सरगी का। ये देखो जी साहिबा अभी मम्मी पापा को सर्व कर रही है। जो रिवाज होता है सबसे पहले मम्मी पापा को सर्व किया जाता है। ये देखो जी ये आ गया है ये सरगी और जो अभी मम्मी पापा को सर्व की गई है। ये रिवाज होता है जैसे ना अर्घ देने के बाद तो मम्मी पापा को सास ससुर जो होते हैं उनको ये ऐसे दिया जाता है। ये देखो जी ये सारी चीजें ये देख सकते हो आप। देखो आ गई है साहिबा ये क्या कर रही है देखते हैं मुझे तो नहीं समझ आ रहा। ये देखो जी अच्छा ये देखो जी पकड़ो फड़ो फड़ो दो में ठीक है इस तरह से दिया जाता है। ये देखो जी चलो वेरी गुड। ये देखो अभी दीदी लोग ओ बड़ी दीदी आ जाओ वो देखो जी वो पूरी तलने के चक्कर में ही है। ये देखो जी चलो वेरी गुड वेरी गुड गुड ताली बजाओ यस। ये देखो पापा की तरफ से सगन वाओ। सो देखा आपने ये होता है रिवाज तो इस तरीके से ही ऐसे सब किया जाता है। तो मैंने तो वो थी एक पिछले साल तो साहिबा नहीं थी तो इस साल देखा है और ये सारी चीजें देख के अभी पता लगा। तो ये देखो जी मजा आया सबको मम्मी मजा आया मम्मी मजा आया
चलो वेरी गुड। एक कॉम्पिटिशन सेरेमनी मतलब की अभी गिफ्ट सेरेमनी इधर भी होगी। ये देखो जी, ओहो हो, वाह वाह वाह, लो आशीर्वाद। चलो गुड, अब ठीक है, सही है, हाँ गुड। सो गाइस, तो अभी अब खाने लगे हैं, अब काफी टाइम हो गया, भूख भी बड़ी लग रही है। अब देख सकते हो ये सारा आ गया है खाना, तो अभी मैं खाता हूँ। और ये देखो जी गर्मा गर्म पूरी, जब पूरा दिन का बिल्कुल नहीं खाया, जब फाइनली आदमी खाता है तो क्या फील आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, जो खाने की रियल मतलब कदर है ना, उनका भूखा रह के फिर ही पता लगती है। तो लिटरली बहुत मजा आया और एकदम से मतलब कि मजा आ गया। आप भी बताओ आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर आपने भी करवा चौथ रखा है तो वो भी बताना। तो ये होता है करवा चौथ जो हमने आपको दिखाया।